हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 में मैच नंबर 47 खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद अपना पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स को उनके घर पर हराकर इस मुकाबले को खेलने पहुंचेंगे। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पिछला मुकाबला हारे गुजरात टाइटंस के हाथों 7 विकेट से। वहीं पर ये जो मुकाबला होगा ये खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद के अपने घर यानी कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर। अब इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन कैप्टन कौन वाइस कैप्टन होना चाहिए, ये सब और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद का कोलकाता नाइट राइडर्स से। अगर हम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच की बात करें तो पिच बल्लेबाजी के अनुकूल है, लेकिन इस पिच पर हमें पेसर्स काफी ज्यादा घातक नजर आ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ मुकाबलों में देखा है कि इस पिच पर यहां पर पेसर्स ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया है, तो इस मुकाबले में भी हमें यही कुछ देखने को मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो पिछले 4 आईपीएल मुकाबले जो इसी साल यानी कि आईपीएल 2023 के दौरान इस पिच पर खेले गए हैं, वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 बार जीत हासिल करी है और चेस करने वाली टीम ने महज 1 बार जीत हासिल करी है। वहीं पर आईपीएल 2023 में जो ट्रेंड चल रहा था कि आप टॉस जीतिए चेस करना पसंद करिए, वो अब ट्रेंड कहीं ना कहीं यहां पर चेंज हुआ है। तो ऐसे में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है ये आपको बता देते हैं। तो दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे का सामना किया है अब तक 24 टाइम्स, जहां पर हैदराबाद को जीत हासिल हुई है 9 बार, वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी है 15 बार। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि दोनों ही टीम्स के बीच में रिवर्स फिक्स्चर है, यानी कि दोनों ही टीम्स इस आईपीएल 2023 में मैच नंबर 19 में आमने सामने हुई थी। वो मैदान था ईडन गार्डन्स का और वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को हार का सामना करना पड़ा था। सनराइजर्स हैदराबाद ने उस मुकाबले को 23 रन से अपने नाम किया था। तो ऐसे में केकेआर जरूर चाहेगी कि यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद से उस हार का बदला लिया जाए। चलिए बिना किसी देरी के यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। और सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से, और आपकी फैंटेसी 11 में एक नहीं बल्कि 2-2 विकेट कीपर होने चाहिए, जहां पर पहले विकेट कीपर होने चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी यानी कि हेनरी क्लासन। क्लासन की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वहां पर हेनरी क्लासन ने महज 27 बॉल्स का सामना करते हुए नॉट आउट 53 रन बना दिए थे। तो ऐसे में हेनरी क्लासन को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो अगले विकेट कीपर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी यानी कि रहमानुल्लाह गुरबाज। गुरबाज की बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो मुकाबला खेला था गुरबाज ने, वहां पर 81 रन बना दिए थे 39 बॉल्स का सामना करते हुए, जहां पर उन्होंने 5 चौके और 7 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट रहा 207.69 का। चलिए ये तो बात हुई विकेट कीपर्स की, अब बात कर लेते हैं यहां पर बैटर्स की यानी कि बल्लेबाजों की। और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा केकेआर के कप्तान यानी कि नीतीश राणा का नाम। नीतीश राणा के बाद यहां पर जो अगले बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी यानी कि रिंकू सिंह। रिंकू सिंह की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वो जो मैच नंबर 19 खेला गया था वहां पर रिंकू सिंह ने महज 31 बॉल्स का सामना करते हुए नॉट आउट 58 रन बना दिए थे। ऐसे में रिंकू सिंह को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी यानी कि अभिषेक शर्मा। अभिषेक ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 67 रन बनाए थे मैच 36 बॉल्स का सामना करते हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 1 छक्का भी लगाया, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 186.11 का। अभिषेक के बाद अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी यानी कि हैरी ब्रूक। ब्रूक ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वो जो मैच नंबर 19 खेला था वहां पर उन्होंने नॉट आउट 100 रन बनाए थे यानी कि उन्होंने शतक लगाया था वो भी महज 55 गेंदों में, और अपनी इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 3 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 181.82 का। जी हां, माना कि हैरी ब्रूक का बल्ला पिछले कुछ मुकाबलों से नहीं चल रहा है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और इस आईपीएल 2023 की वो पहली सेंचुरी थी। तो ऐसे में हैरी ब्रूक को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
चलिए तो बात हुई बल्लेबाजों की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होगा एसआरएच के कप्तान यानी कि एडन मार्करम का नाम। मार्करम के बाद यहाँ पर आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा केकेआर के ऑलराउंडर यानी कि एंड्रे रसल को। रसल की बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ वो जो मुकाबला हुआ था वहां पर उन्होंने बल्ले से 34 रन बनाए और जब यहाँ पर गेंदबाजी की बारी आई तो उन्होंने वहां पर शुभमन गिल का एक इंपॉर्टेंट विकेट भी चटकाया। और इसके साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वो जो 19वां मुकाबला खेला गया था वहां पर एंड्रे रसल ने 3 विकेटें चटकाई थी। तो एंड्रे रसल को उनके इस कमाल के प्रदर्शन को देखते हुए आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए तो बात हुई ऑलराउंडर्स की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गेंदबाजों की यानी कि बॉलर्स की। और बॉलर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिन गेंदबाज यानी कि वरुण चक्रवर्ती का नाम। वरुण चक्रवर्ती के बाद आप अपनी फैंटेसी 11 में यहाँ पर जरूर जगह दीजिएगा सनराइजर्स हैदराबाद के पेसर यानी कि भुवनेश्वर कुमार को। भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वहां पर उन्होंने कप्तान यानी कि डेविड वार्नर को चलता किया था। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के यॉर्कर किंग यानी कि टी नटराजन। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दे उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करेगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करेगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल में यहाँ पर एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो आप अपनी फैंटेसी 11 में यहाँ पर कैप्टन बनाइएगा कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन यानी कि नीतीश राणा को। नीतीश राणा की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वो जो मैच नंबर 19 खेला गया था वहां पर नीतीश राणा ने महज 41 बॉल्स का सामना करते हुए 75 रन अपने नाम के आगे लगा दिए थे। ऐसे में आपकी फैंटेसी 11 में नीतीश राणा ही आपके कैप्टन होने चाहिए। वाइस कैप्टन की बात करें तो आप यहां पर वाइस कैप्टन बनाइएगा सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन यानी कि एडन मार्करम को। मार्करम की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वो जो ईडन गार्डन्स में मुकाबला खेला गया था वहां पर मार्करम ने महज 26 बॉल्स का सामना करते हुए अर्धशतक लगा दिया था यानी कि उन्होंने 50 रन बनाए थे। तो ऐसे में एडन मार्करम आपकी इस फैंटेसी 11 में आपके वाइस कैप्टन होने चाहिए। तो ये थी सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11 जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब इंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।